हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। शमरॉक आदर्श के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स का जो चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था वॉल नंबर्स, उसमें एक्सरसाइज 2.3 रहती है हमारी, तो 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम जो पहला फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। कह रहा है कि इनमें से कौन से नंबर, जो कौन से जो केसेस दिए हुए हैं नीचे, उनमें कौन सा जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस दिया हुआ है वन प्लस जीरो। तो वन प्लस जीरो का क्या मतलब है बच्चों? जीरो मैंने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी होता है। जीरो को हम किसी नंबर में ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तो उसका उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो ही नंबर रहता है। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया, वन प्लस जीरो क्या रहेगा, वन ही रहेगा। तो ये जीरो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वन प्लस जीरो विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। जीरो इंटू जीरो, मैंने कहा था कि जीरो से किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये भी क्या है, जीरो। तो ये भी विल नॉट क्या कर रहा है, विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, तो ये भी नहीं करेगा, सॉरी ये नहीं करेगा। आपसे पूछा है ना विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, तो ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या आ गया, वन आ गया। अब ये जीरो इंटू जीरो, ये आपका जीरो है, यानी जीरो से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, ये लिखेंगे जीरो इंटू जीरो रिप्रेजेंट जीरो। जीरो अपॉन टू, जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी ऑलवेज क्या आता है, जीरो ही आता है। लेकिन उल्टा अगर हो जाए, टू को हम जीरो से डिवाइड करें तो जीरो नहीं आएगा, ध्यान रखना, तो हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो नीचे कभी भी जीरो आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फिनिटी, और ऊपर जीरो आ गया तो वो जीरो रहेगा। टेन माइनस टेन क्या हो गया, जीरो अपॉन टू, ये भी सेम ही नंबर है, तो ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इनमें से कौन सा जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वाला रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बाकी सारे के सारे जीरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वॉल नंबर इज जीरो। दो नंबर है वॉल नंबर, वॉल नंबर बच्चे मैंने आपको बताया था, एक वॉल नंबर मल्टीप्लाई बाई दूसरा वॉल नंबर, ये कह रहा है कि ये क्या है, जीरो के इक्वल है। इफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, टू वॉल नंबर इज जीरो, कैन वी से दैट वन ऑफ वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों जीरो होंगे, आप बताओ। देखो एक नंबर जीरो होगा तो भी जीरो होगा, अगर दोनों नंबर जीरो होंगे तो भी आपका जीरो ही आएगा। क्यों, मान लीजिए वॉल नंबर कहां से शुरू होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, वॉल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो भी जीरो आएगा, क्योंकि अब यहां पे क्या हो गया, बोथ नंबर आर जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाई कोई वॉल नंबर कुछ भी लिख लें दूसरा तो भी क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आता है ऑलवेज। तो आपने लिखना है कि यस वी से दैट वन और बोथ, या तो एक या दोनों, वन और बोथ नंबर आर जीरो, दोनों भी जीरो हो सकते हैं या एक जीरो हो सकता है, तो ऑलवेज क्या आएगा, ये जीरो ही आएगा। नेक्स्ट बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वॉल नंबर इज वन। दो वॉल नंबर का प्रोडक्ट क्या है, वन है, दो वॉल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन, क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही वन होंगे, तो क्या कहोगे आप। देखो दो वॉल नंबर हैं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वॉल नंबर इंटू वॉल नंबर करते हैं, तो ऑलवेज क्या आता है, कह रहा है वन आता है। तो क्या ये दोनों नंबर वन होंगे या इन दोनों में से एक होगा, तो बच्चों बताओ आप। अगर एक को मैं वॉल कर दूं यहां पे, सॉरी एक को मैं एक ले लेता हूं, वन वन ले लिया मैंने एक वॉल नंबर को, एक वॉल नंबर को ये और ले लेता हूं जीरो ही ले लिया, जीरो इंटू वन तो क्या आएगा, जीरो। थ्री इंटू वन ले लिया तो क्या आएगा, थ्री इंटू वन ले लिया, थ्री आएगा। तो एक नंबर अगर हमने वन लिया है तो आपका वन नहीं आ रहा, अगर मैं दोनों को ही वन लेऊंगा तो आपका क्या आएगा, वन आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि वी कैन से दैट बोथ ऑफ देम विल बी वन, दोनों के दोनों ही वन होने चाहिए तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो वन के इक्वल होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फोर नंबर जो क्वेश्चन है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी,
एसोसिएटिव, कॉमुटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी जो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर था, इसमें इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर का जो फर्स्ट जो लेक्चर दिया था हमने, उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर चार जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में था क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी अगर है, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी अगर है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए इंटू बी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई ए, सॉरी ए इंटू सी, यानी इस ए का बी से भी करना है, इस ए का सी से भी करना है। तो ये जो है ये क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, ए जो दिया हुआ है 728 इंटू 101, जो फर्स्ट एग्जांपल है इसका 728 इंटू 101, इसका आपने प्रोडक्ट निकालना है। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसको 101 से, तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और जो क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ही आपने फाइंड आउट करना है, तो वो भी पर्पज हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। तो कैसे करेंगे इसको, 728 इंटू 101, तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 100 प्लस 1, तो 101 को क्या लिखेंगे हम, 100 प्लस 1, यानी कि 728 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख लीजिए 100 प्लस 1। अब देखो ए ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी कि अब ये किसके इक्वल होएगा, यहाँ पे ए बी सी ध्यान रखना, जब होल नंबर का चैप्टर कर रहे हैं तो होल नंबर है ए बी सी यहाँ पे, यानी जीरो से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक। तो ये क्या आ गया बच्चे, 728 का पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, तो 728 मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस का साइन है यहाँ पे तो प्लस का लगा देंगे, माइनस का होता तो माइनस का लगा देते, 728 इंटू 1, तो ये क्या आ गया। देखो 100 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को बिल्कुल आसान है, मतलब लास्ट में जितनी जीरो उतनी जीरो लगा दो बस। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो आ जाएगी, 100 से करेंगे दो आ जाएंगी, 1000 से करेंगे तीन आ जाएंगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, 728 ये 100 से करना है तो दो जीरो लग जाएंगी, प्लस ये 1 से किया है तो ये एज इट इज आ गया 728। तो ये आसान है, अब ऐड करना है बस, आपने 8 का 8 आ गया, 0 में 2 ऐड होएगा तो 2 आ गया, 8 और 7 कितना हो गया 15, 2 और 1 कैरी हो गया 3, ये आ गया आपका आंसर 73,528। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस नंबर को, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बजाय किसके डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई करते हो, तो बड़ा लंबा हो जाता है क्वेश्चन वो। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे, ये है आपका एक क्वेश्चन है 4275 इंटू 125, एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं, 4275 मल्टीप्लाई बाई 125, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि ये लिखा हुआ है 125, तो एक तो तरीका इसको 100 प्लस 25 कर लो, फिर 25 से मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप जीरो बना लो, तो जीरो कैसे बना सकते हो, इसको मैं किसी नंबर से लास्ट में जीरो बना लें इसको, अगर हम तो लास्ट में जीरो बनाएंगे तो क्या आएगा, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 हो जाएगा। अब अकेला 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसको 8 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लें और 8 से ही डिवाइड कर दें। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम अभी करते आए थे 4275 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 25, अगर मान लो यहाँ पे 99 होता तो 100 माइनस 1 कह देते फिर। तो अब इसको आप कर सकते हो 4275 एक बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4275 का एक बार 25 से, तो ये कितना आ गया आपका 4275, दो जीरो लग जाएंगी, इसका 25 से मल्टीप्लाई करना क्योंकि 25 की टेबल आसान है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 125, 12 आपका क्या आ गया कैरी हो गया, तो 25 7 जा 175, तो ये ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7 8 187, यानी 18 आपका कैरी हो गया, 25 2 जा 50 50 ऐड करेंगे इसमें तो ये आ गया 68, यानी फिर 6 कैरी हो गया,
फिर 25 और जो 100 और 106 में ऐड होएगा तो ये आ गया 106। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 57 और ये आपका 8 ऐड होएगा तो इसमें कितना आ गया 8 और 5 13, 6 और 7 13 और 1 कैरी 14, यहाँ पे 1 कैरी हो गया और 2 3 4 और 1 क्या हो गया 5, ये आपका जो है आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक तरीका और इसमें अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें हम, 4275 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड बाय 8। अकेला हम 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसको, हम 8 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, मैंने क्यों किया 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 125 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। मान लो यार 25 होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 25 4 जा 100, 125 से का 8 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट जो है कितना आ गया 1000 आ गया। तो 4275 1000 का मतलब 30 होगी, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 30 आ जाएंगी और इसको 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा। यानी 8 से हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 85 जा 40, 2 आएगा 83 जा 24, फिर 3 बचेगा 84 जा 32, फिर 3 बचेगा 83 जा 24, फिर 6 बचेगा 87 जा 56, फिर 4 बचेगा 85 जा 40। तो 534375 तो आपको जैसे ठीक लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो ये भी लगा सकते हो, उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से भी कर लो। तो इसमें 3-4 जो है 5 जो है इसमें क्वेश्चन पार्ट दिए हुए हैं इसके, तो पांचों पार्ट आपने इसके सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट जो है आपको इसका 5th क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है वो देखिएगा। 5th क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, ये कह रहा है स्टडी द पैटर्न, पैटर्न को आपने स्टडी करना है, स्टडी द पैटर्न। पैटर्न में क्या लिखा हुआ है, पैटर्न में लिख रहा है 1 × 8 + 1, ये कह रहा है 9 है। उसके बाद 12 × 8 + 2, ये कह रहा है 98। 123 × 8 + 3, ये कह रहा है आपका 987। देखो आपको पैटर्न से पता लग रहा होगा क्या क्या होता जा रहा है, 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस में यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या आना चाहिए ये आना चाहिए। तो ये इस तरीके से एक नंबर और दिया हुआ है 4 के बजाय यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। तो इसको ये कह रहा है 98765। अब कह रहा है ये कि राइट द नेक्स्ट टू स्टेप्स, आगे के आपने दो स्टेप और लिखने हैं इसके, तो बड़ा आसान है। देखो यहाँ 1 था, यहाँ 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मल्टीप्लाई, अगले में क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 प्लस क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब इधर देखिए 9, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 6, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। तो ये जो है आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म पूछी थी इसने, आगे की ओर पूछे तो और भी बता सकते हैं, 8 तक ले जाएंगे यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, अगले में 2 आ जाएगा। तो आपको समझ आ ही गया होगा ये पैटर्न है कि ऊपर के कुछ दिए हुए थे, ये 4 दिए हुए थे, 2 हमने बताने थे। तो आपकी जो ये एक्सरसाइज थी 2.3 ये कंप्लीट होती है यहाँ पे, यानी कि चैप्टर 2 जो है आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए बेटा इस तरीके से जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको सारे सब्जेक्ट, आपको हर विषय हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, मेन मेन सब्जेक्ट आपको सारे मिल जाएंगे, साइंस भी मिलेगा, मैथ्स भी मिलेगा, आपको इंग्लिश भी मिलेगी, एनसीईआरटी का पूरा हम सिलेबस आपको यूट्यूब के जरिए जो है हम करा रहे हैं आपको घर बैठे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे नंबर पर
कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें, आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको 9416072910 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको मैं सॉर्ट आउट करवाऊंगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि कैसा लगता है आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।